गाइस मैंने लिया है 45 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज जिसमें मैं देखने वाला हूँ क्या मैं 45 डेज में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा जिसका आज डे 43। गाइस ये है आज का कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमारे आज एक्सपायरी के दिन काम आएंगे। और गाइस ये येलो लाइन जो है ये है निफ्टी का ऑल टाइम हाई 22,782। गाइस ये है निफ्टी का चार्ट जो कि था आज पूरा साइडवेज, मार्केट कहीं मूव नहीं किया ना कॉल साइड ना पुट साइड। आज सुबह सुबह ही गाइस मैंने डिसाइड किया था कि आज बहुत सेफ चलूंगा क्योंकि पिछला वाला जो एक्सपायरी था वो बहुत ही डेंजर रहा मेरे लिए, उसमें बहुत बड़ा लॉस से मैं बच चुका था। इसीलिए गाइस ये एक्सपायरी में मैं सोचा कि बहुत सेफ चलने वाला हूं, ना ज्यादा रिस्क लूंगा ना ज्यादा रिवॉर्ड रखूंगा, इसीलिए गाइस ज्यादा मैंने रिस्क नहीं लिया, बस एक से दो ट्रेड लिया मैंने आज। गाइस मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट में एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया, ग्रीन कैंडल आने के बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी करके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब मार्केट में यहां से थोड़ी बहुत सेलिंग दिखने मिली हमें, जो यहाँ पे गाइस पुट लिया होगा वो अगर स्कैल्पिंग किया होगा तो प्रॉफिट में निकल गया होगा, लेकिन अगर इसे होल्ड किया होगा तो बहुत बुरा तरीके से फंसा और ये दो कैंडल में ही पूरा उनका स्टॉप लॉस चला गया होगा क्योंकि ये दो कैंडल में बहुत अच्छा स्पाइक आया था और बहुत अच्छा मार्केट ऊपर गया था। फिर जब ये गाइस दो कैंडल जब ऊपर गया तो मैं इंतजार किया कि कहीं पुल बैक मिले तो मैं एंट्री करूंगा। फिर जैसा ये पुल बैक जैसा आया और ये एक बुलिश कैंडल जो मिला मुझे, तो यही गाइस ये कैंडल का हाई जैसा ब्रेक हुआ वैसे मैंने यहाँ पे एक लॉट से ऑप्शन सेलिंग किया और आज था एक्सपायरी, इसीलिए मैं सोचा कि स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इसी कैंडल का लो में मैं आज का दिन में स्टॉप लॉस लगा दिया। गाइस ट्रेड लेते ही मैंने सबसे पहले एक काम किया कि जैसे ही मैंने ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ वैसे मैंने एंट्री किया और फिर स्टॉप लॉस रख दिया ये कैंडल का लो में और सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दिया था मैं, क्योंकि मुझे डर इस बात का था जैसे ये रिवर्स हुआ वैसे ही वापस नीचे ना आ जाए, इसीलिए मैंने गाइस यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। और फिर मैंने आज ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ था और फिर थोड़ी देर होल्ड किया, मार्केट साइडवेज रहा तो डीके भी थोड़ा बहुत अच्छा मिल रहा था। फिर जैसे ये कैंडल का इस ब्रेकआउट जैसा किया तो प्रॉफिट बढ़ के मेरा 450 to 480 रुपीज़ तक पहुंच चुका था, पर मैंने यहाँ पे निकाला नहीं क्योंकि सोचा कि अगर 22,700 अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा स्पाइक का साथ मुझे ट्रेड मिले, अच्छा प्रॉफिट मेरा आगे बढ़ेगा, लेकिन गाइस ऐसा हुआ नहीं और ये यहाँ से रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मैं सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज रहेगा तो भी मेरा प्रॉफिट ही चलेगा, उतना बड़ा लॉस में नहीं जाऊँगा मैं, पर स्लो एंड स्टडी करके ही यहाँ पे आके सीधा मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये वाला कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आज बस यही एक ट्रेड लिया था अभी तक मैं और फिर इंतजार किया अपना दूसरा ट्रेड का। फिर यहाँ से गाइस जैसा मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ वो भी सस्टेन नहीं हुआ, वो भी कैंडल ऊपर चला गया और फिर मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर से बायर्स ने एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया 22,700 को ब्रेक करने के लिए, फिर मैं सोचा कि अगर कैंडल क्लोज करेगा तो मैं यहाँ पे पक्का था कि एक लॉट से फिर से ट्रेड लूंगा, एक और रिस्क लूंगा, पर ये भी कैंडल क्राइस क्लोज नहीं किया और फिर मार्केट साइडवेज रहा और सडनली ये एक ब्रेक डाउन किया और आज का दिन बस मेरा यही था गाइस, और तो मैंने और कोई ट्रेड नहीं किया। आज का दिन गाइस मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हुआ लेकिन आज गाइस मार्केट में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे और गाइस मैं एक स्ट्रेटेजी के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसे भी शेयर करूंगा। गाइस मेंटेन किया हमने अपना एक ट्रेडिंग जर्नल जिसमें मैंने लिखा डे 43 393 रुपीस लॉस, टोटल प्रॉफिट 11,442 रुपीस। अगर गाइस वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।